मिर्जापुर जिले के नरखेड़ा में स्थित है। मंदिर का धार्मिक व तांत्रिक दृष्टि से महत्व है। जिस प्रकार उज्जैन में तांत्रिक मशहूर है, ठीक उसी प्रकार नरखेड़ा का नाम भी मशहूर है। कहा जाता है कि जिस नगर में माँ बगलामुखी विराजित हो, उस नगर को कोई भी संकट देख भी नहीं पाता। बगलामुखी माता की यह मूर्ति महाभारत काल की है। पुजारी के दादा परदादा इस मूर्ति की पूजा करते चले आ रहे हैं। इस जगह पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बताए गए निर्देश पर इस मंदिर में तपस्या करके कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। यह स्थान आज भी तंत्र साधन के लिए मशहूर है। यहाँ देश विदेश से कई साधु संत तंत्र साधना के लिए आते हैं और माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। माँ बगलामुखी की साधना जितनी सरल है उतनी ही जटिल भी है। माँ बगलामुखी वह शक्ति है कि रोग पीड़ा शत्रु बाधा और कई प्रकार के बाधाओं को निवारण करने वाली है। आज से 252 साल पूर्व सावंत 1816 में पंडित इंदुजी दक्षिण कारीगर तुलाराम ने मंदिर का सभा मंडप बनवाया था। इस सभा मंडप के मुख्य द्वार पर कछुआ बनाया गया है। जो यह सिद्ध करता है शक्ति का प्रतीक होता है। मंदिर के पीछे नदी किनारे कई संत मुनियों की समाधियां है। मंदिर के सभा मंदिर के ठीक सामने लगभग 7 फीट ऊंची एक द्वीप माला बनी हुई है। यह कहा जाता है कि मंदिर में द्वीप मालाओं का निर्माण राजा विक्रम के द्वारा किया गया था। मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है। हम माँ के द्वार से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। इसकी आराधना श्री काली सिद्धि विद्या त्रयंत्री में इस माँ को पहला स्थान है। माँ बगलामुखी को रौद्र रूपिणी, स्वामिनी, ब्राह्मिनी, मोहिनी, दामिनी, जन्मभूमिनी इत्यादि कहा जाता है। दूसरों के अनुशाहेय को हरण करने वाली है, शरीर के रोगों को हरण करने वाली है। उज्जैन से लगभग 93 किलोमीटर दूर यह शक्ति पीठ मौजूद है। तो यह थी इंदौर की बगलामुखी माँ की जानकारी।
लिखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।